hello everyone i am nupur and welcome to my youtube channel that is impactful learning with nupur so you can like share and subscribe my channel right in this channel you can find videos of cbse grade 9 to 12 english subject which is absolutely beneficial for the students to score excellent marks so if you are a keen learner then you should surely watch these videos made by me for my dear students ओके okay, सो so बच्चों आज हम चैप्टर फाइव द एनिमी क्लास ट्वेल्थ का लेंगे जो कि विस्ताज बुक से है ये पार्ट टू कवर कर रही हूँ पार्ट वन मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है और उसकी वीडियो भी आ गई है यूट्यूब में आप वो देख सकते हैं ओके सो अब हम स्टार्ट करते हैं नाउ सदाओ रिमेंबर्ड से एंड जो कि फिनिश होता है द रॉक हैड स्ट्रक द वोन पे ओके सो मैं एक बार इंग्लिश में समझाऊंगी और एक बार हिंदी में जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगती है आप उस पर फोकस कर सकते हैं ओके सो नाउ सदाओ रिमेंबर्ड द वे टू हील द वो ऑफ द स्ट्रेंजर मैन हु वॉज लाइंग मोशनलेस ब्लड वॉज फ्रॉम इज ब्लड वॉज फ्लोइंग कंटिन्यूसली फ्रॉम इज बॉडी The man was shot by the gun many days ago, and nobody took care of him. And it was the bad chance that the rock had struck the wound. So बच्चों क्या हुआ कि sadao तो एक डॉक्टर थे तो उनको याद था कि उस जख्मी आदमी को कैसे ठीक करना है उसको कैसे हील करना है राइट right? जख्मी आदमी जो था उसकी बॉडी से ब्लड निकला जा रहा था बिना रुके कंटिन्यूसली निकला जा रहा था जख्मी इंसान को किसी ने गन से शॉट किया था बहुत दिन पहले और किसी ने भी उनकी केयर नहीं करी थी राइट और उनकी किस्मत भी ठीक नहीं थी उनके घाव पर एक पत्थर भी पड़ गया था ओके ऐसा हुआ था कि एक तो उनको उन वो वैसे ही उनको चोट लगी हुई थी और वो जो घाव था उनका उनकी जो चोट थी उस पर किसी ने पत्थर भी मार दिया था या कहीं से लग गया था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दर्द से करहा रहे थे बहुत ज़्यादा

उस अजनबी जो इंसान था उसकी कंटिन्यूसली ब्लीडिंग जो उसकी हो रही थी जो खून निकल रहा था उसको देख के हाना बहुत शॉक्ड हो गई थी सो so, जब ये सारा सीन हो रहा था तब उस समय तक सारे फिशरमैन यानी मछुआरे और बीच में जो लोग घूमते हैं वो सारे अपने अपने घर चले गए थे ठीक है so, सो पूरा जो एरिया था बीच का जो सी का जो पूरा एरिया था वो बिल्कुल खाली था वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था सिर्फ सदाऊ हाना और वो जो इंजर मैन है वो थे नेक्स्ट okay? पैरा पे आएंगे पेज भी चेंज करना पड़ेगा हमें टॉप पे आना पड़ेगा फाइन। सो नाउ सदाउ विस्पर्ड दैट वॉट शेल ही डू विदेड मैन बट सदाउ स्ट्रेन हैंड हेल्पिंग हिम टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ दैट मैन and filled his wound with the, and he filled that wound with the sea moss which is a kind of grass to heal the wounds the man was in his unconscious state but still he was like shouting with pain when sadao was giving him the treatment so, बच्चों अब क्या होता है कि सदाओ थोड़ा थोड़ा अपने आप में बोलता है मरमर करता है जैसे हम अपने आप से बात करते हैं ना कभी कभी ऐसी सदाओ भी मरमर करता है कि इस घायल इंसान के साथ अब वो करे तो करे क्या कैसे उसे ठीक करे कैसे उसकी जो हालत इतनी बिगड़ी हुई है वो उसको कैसे ठीक करे पर सदाओ ने सर्जरी की पढ़ाई करी थी ओके वो स्पेशलिस्ट था ठीक है तो ऐसे नहीं कह सकते कि सदाओ उसको ट्रीट नहीं कर सकता था सदाओ ने पढ़ाई करी थी उसमें उसकी स्पेशलाइजेशन थी उसकी वजह से सदाओ की जो ट्रेंड हाथ थे ने उस घायल आदमी की ब्लीडिंग को पूरी तरीके से रोक दिया था सदाओ को परफेक्शन था अपने काम में और वो परफेक्शन कहाँ काम आया उस जो जख्मी इंसान था उसके ट्रीटमेंट को करने में ओके okay? तो सदाओ को सदाओ के जो हाथ थे ट्रेंड हाथ थे वो अपने आप उस आदमी के जख्म को अपने आप वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा था सदाओ कि वो ठीक होता जा रहा था जख्मी इंसान सदाओ ने घायल आदमी के घाव को सी मॉस जो कि एक तरीके की घास होती है उससे भर दिया था ओके okay, से भर दिया था वो एक टाइप की घास होती है जो कि हीलिंग के लिए काम आती है अगर आप चोट के ऊपर लगाओगे ओके okay? सो okay? घायल so, आदमी अपनी अनकॉन्शियस स्टेट में था पर जब सदाओ उनका इलाज कर रहे थे तब वो पेन में जोर से चिल्ला रहा था ठीक है तो उसको पेन हो रहा था जब से सदाओ उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे ऑब्वियसली होगा अब हम नेक्स्ट पैरा पे आते हैं ठीक है so, सो नेक्स्ट पैरा स्टार्ट होता है द बेस्ट थिंग से And he finished at the motionless man, pe, right? So now Sadao murmured to himself that the best thing that he and Hana could do would be to put that American man back into the sea, back in the sea, okay? As his bleeding was stopped and then Sadao stood up and dusted his hands, okay? So Sadao, Hana also agreed to Sadao's decision and told him that it would be best to put the man in the sea and at the same time she was looking at the motionless man. So, बच्चों अब क्या होता है कि सदाओ ये सोचते हैं कि जो इंजर्ड मैन है उनको सी के पास सी में फिर से डाल दिया जाए ओके okay? क्योंकि अब उनकी ब्लीडिंग रुक गई थी जो इंजर्ड मैन था उसकी ब्लीडिंग रुक गई थी तो सदाओं ने सोचा कि अब इसको क्या करते हैं वापस सी में डाल देते हैं ऐसा कहकर सदाओं ने अपने दोनों हाथों से सैंड को झाड़ा हाथों में मिट्टी लग गई थी ठीक है उसको ट्रीट करने में नीचे सैंड थी बीच के पास थे वो लोग तो अपने हाथों को झाड़ा और सदाओ खड़े हो गए हाना भी सदाओ के इस डिसीजन को लेकर अग्री कर रही थी और सदाओ को बोला कि ये बेस्ट रहेगा कि जो इंजर्ड मैन है उसको सी में वापस डाल दिया जाए उसको वापस फी में डाल दिया जाए राइट क्योंकि उसकी ब्लीडिंग रुक गई थी ऐसा कहते कहते हाना उस ज़मीन में लेटे हुए आदमी को जो बिना हिले लेटा हुआ था उसको ध्यान से देखने लगी उसने बोल तो दिया था हाना ने अग्री तो वो कर गई थी कि ठीक है इसको वापस ही में डाल देते हैं अब इसकी ब्लीडिंग भी रुक गई है पर कहीं ना कहीं वो कुछ सोच रही थी वो मोशनलेस था वो आदमी वो कुछ ऐसे बात नहीं कर रहा था तो उसको लग रहा था हाना को कि ये पूरी तरीके से तो ठीक नहीं हुआ है तो वो बहुत ही उसको थोड़ा सा मतलब बहुत दया कह सकते हैं वो आ रही थी ठीक है उस

देन डैट वाइट मैन वुड सर्टेनली डाई हैंस देड टू पुट हिम बैक इन टू द सी अब बच्चों सदाओह हाना से कहता है कहते हैं कि अगर वो वाइट मैन को अपने घर में रहने की जगह देंगे तो पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेगी क्योंकि आप जानते ही हैं कि उस टाइम पर जापान एंड अमेरिका के बीच वॉर का टाइम चल रहा था और अगर वो उस वाइट मैन को जेल में भेज देंगे तो उनको मार दिया जाएगा फिर लास्ट में हाना और सदाउन ने डिसाइड किया कि वो वाइट मैन को वापस सी में डाल देंगे जिससे उसकी लाइफ ख़त्म होने का खतरा फिनिश हो जाएगा ओके इसी वजह से उन्होंने सोचा था कि ठीक है इसको वापस सी में डाल देते हैं अब हम नेक्स्ट पैरा पे आएंगे जो कि वॉट इज ही से स्टार्ट है एंड बट सिंस ही इज वेड पे फिनिश होता है राइट right? इसमें मैं फोर टू फाइव पैराग्राफ एक साथ फिनिश करूंगी so then hana asked sadao about that white man's identity so sadao replied as he looked like an american and then sadao took up that white man's wet cap in which a sailor was written so they concluded that he was a sailor belonged from u.s navy and during the war he had tried to escape and that was the reason that he got wounded

सिंबल दिख रहा था और प्रोफेशन से वो एक सेलर है जो कि वॉर के टाइम पर छुप कर भाग गया था और इसी वजह से वाइट मैन को चोट लगी थी वो वहाँ से निकल गया था और उसको चोट लग गई थी अब सदावहाना से बोलती हैं कि वो उनकी हेल्प करे कि वो उनकी हेल्प करे वाइट मैन को सी में डालने की सदाओह हाना से ये रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो अमेरिकन मैन को अब क्या समझने लग गए थे वो अपना एनिमी समझने लग गए थे अब सदाओ के अंदर एकदम से फीलिंग जनरेट हुई क्योंकि वो जाप जापान के थे वो जापनीज थे उनको लगा कि नहीं हम अपने एनिमी की मदद क्यों कर रहे हैं ठीक है तो सदाओ को लगा सदाओं सदाओ ने हाना से रिक्वेस्ट किया कि ठीक है अब हम इसको वापस सी में डाल देंगे ठीक है सो बच्चों उस टाइम पर जापान और अमेरिका की वॉर चल रही थी और सदा उस वाइट मैन को अपने एनिमी की तरह देख रहे थे जो कि मैंने अभी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है पर हाना इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रही थी ओके वो नहीं राजी हो रही थी कि वाइट मैन को सीमें डाल देते हैं जस्ट बिकॉज कि वो अमेरिकन है और उन लोगों की वॉर चल रही है आपस में वो चाहती थी कि ठीक है चलो थोड़ा ट्रीट कर उसको उस टाइम थोड़ा सा उसके लिए पिटी फील कर रही थी वो वाइट मैन के लिए ठीक है तो वो पूरी तरीके से अग्री नहीं कर रही थी अब हम नेक्स्ट पैरा पे आएंगे जो कि यू ऑल्सो कैनॉट से स्टार्ट है एंड सदाओ इंजर्ड पे फिनिश होता है लास्ट लाइन पे फिनिश होता है सो नाउ हाना ट्राई टू कन्विंस सदाओ टू नॉट टू थ्रो द वाइट मैन बैक टू सी एंड टू कैरी कैरी हिम इनटू देयर हाउस जस्ट टू गिव दैट अमेरिकन मैन कम्प्लीट ट्रीटमेंट बट सदाऊज कन्फ्यूज बिकॉज ही थाट दैट देयर सर्वेंट्स वुड नॉट हेल्प दैम टू ट्रीट देयर एनीमी सो अब स्टूडेंट्स हाना सदाऊ को कन्विंस करती है कि उस अमेरिकन मैन को वो घर ले जाएँ अपने और उसकी चोट का पूरा इलाज कर सकें क्योंकि आप सबको याद ही होगा कि सदाउन हाना डॉक्टर्स थे राइट सो सदाऊ थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि उनके सर्वेंट्स को पता चलेगा कि इंजर्ड मैन अमेरिकन है तो वो सर्वेंट्स उनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे और गुस्सा अलग से हो जाएंगे तो वो अपने सर्वेंट्स को लेके भी थोड़े से पॉजिटिव हो रहे थे कि सर्वेंट्स कहीं ज़्यादा नाराज़ ना हो जाएँ ज़्यादा गुस्सा ना हो जाएँ वो ज़्यादा हर्ट फील ना करें कि हम लोग अमेरिकन को हेल्प कर रहे हैं बल्कि वो हमारे एनिमीज़ हैं ओके okay? तो सदाओ के दिमाग में उनके माइंड में इतनी सारी चीज़ें मतलब चल रही थी ठीक है अब हम नेक्स्ट पैरा पे आएंगे जो कि वी मस्ट सिंपली से स्टार्ट है इस बीच हम पेज भी चेंज करेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे आएंगे पेज नंबर ट्वेंटी नाइन वी मस्ट सिंपली से स्टार्ट है एंड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स पे खत्म होता है ओके okay? यहाँ पे मैं सिक्स लाइंस एक साथ ले रही हूँ so when sadao had shown his reluctance to keep that white man into their house because of their servants then hana replied that they would tell their servants that the white man would, would be given back to the police because hana was worried for her children in sadao's position also okay so at last both of them were agreed to give shelter to the white man in their house राइट स्टूडेंट्स सो बच्चों सदाओ वाइट मैन को अपने घर पर रखने के लिए अग्री नहीं हो रहे थे तब हाना ने उनको समझाया कि वो सर्वेंट्स को बता देंगी कि वो वाइट मैन को पुलिस को दे देंगे जब वो पूरी तरीके से उनकी चोट ठीक हो जाएगी क्योंकि हाना को भी अपने बच्चों का और सदाओ की पोजिशन का बहुत चिंता थी ओके okay? उसको चिंता थी कि नहीं हम पर हमारी इमेज पर हमारी आइडेंटिटी पर शक ना करें उनकी कंट्री के लोग ओके सो लास्ट में सदावर हाना ने डिसाइड किया कि वो वाइट मैन को अपने घर में जगह देंगे जब तक वो ठीक ना हो जाए और उसके बाद वो उनको वाइट मैन को पुलिस में दे देंगे ओके okay? जिससे कि उनके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी ओके okay? सो so अब हम नेक्स्ट पैरा पे आएंगे जो कि दस अग्रीड से स्टार्ट है एंड ये फिनिश होता है वॉज प्योर वाइट सिल्क पे राइट सो सदा हाना लिफ्टेड द मैन एंड फाउंड दैट ही वॉज एज लाइट लाइट एज अ बर्ड एंड वॉज हाफ स्टार्व फॉर अ लॉन्ग टाइम And they took the steps of their house and kept that man in an empty bedroom. That bedroom was belonged to Sadao's father, and since his death, it was not used. Then they put the man on the floor, and that room gave the complete essence of Japanese culture. Okay, so Sadao's father never allowed himself to sit in his own room on a chair or sleep in a foreign bed. He only and only loved his bedroom. हाना देन टुक ऑफ टुक आउट क्वेल्थ फ्रॉम दबर्ड ऑफ द रूम फॉर द अमेरिकन इंजर्ड मैन राइट सो बच्चों सदाओ और हाना दोनों ने वाइट मैन को उठाया okay, जमीन से उठाया जो कि एक बर्ड की तरह हल्का लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम से वाइट मैन ने कुछ नहीं खाया है ओके okay, वो बहुत ही स्टाफ लग रहा था उठाने में भी बहुत हल्का था उन दोनों ने वाइट मैन को सदाओ के फादर के रूम में रख दिया ओके okay? ज़मीन पर रख दिया ओके okay? और फिर सदाओ के जो फादर का जो रूम था वो पूरा जापनीज़ कल्चर की एसेंस देता था वहाँ पे हर चीज़ जापनीज़ कल्चर से रिलेटेड थी ओके okay? बहुत ज़्यादा वहीं का रिफ्लेक्शन आ रहा था सदाओ के फादर अपने घर की किसी भी चेयर अपने भी घर की भी चेयर या अपने घर का कोई दूसरा रूम हो वहाँ पर भी नहीं बैठते थे उनको सिर्फ अपना बेडरूम और अपना बेड अच्छा लगता था सो so, फिर हाना ने क्या किया हाना ने एक सॉफ्ट सी क्विल्ट निकाली कबर्ड से और जो अमेरिकन मैन था उसके ऊपर डाल दी राइट right? अब हम नेक्स्ट पैरा पे आएंगे जो कि ही इज सो डर्टी से स्टार्ट है एंड ही विल नॉट डाई एनी वे पे खत्म होता है ओके okay? सो so, हाना देन कॉल्ड हर सर्वेंट यूमी टू वॉश दैट अमेरिकन मैन द मैन सीम टू बी फेंटेड But yes, he was alive. Sadao then said to the man that the American man would die unless he was operated. But Hana cried in fear that don't try to save him. What if he should live? Then Sadao replied, What if he should die? सो so, बच्चों हाना ने अपनी सर्वेंट यूमी को बुलाया जिसने कि वो अमे जिससे कि जो यूमी है वो अमेरिकन मैन को साफ़ कर दे जो भी ब्लड निकल रहा है जहाँ जहाँ से भी वो गंदा हो रहा है ओके okay, वहाँ तो उसको साफ कर दे सो so, अमेरिकन मैन दिखने में बेहोश लग रहा था पर वो जिंदा था ओके okay, अलाइव था सदाओ ने हाना को कहा कि अमेरिकन मैन की डेथ हो सकती है अगर उसका ऑपरेशन न किया जाए तभी हाना ज़ोर से बोलती है कि अमेरिकन मैन को सेव करने की कोशिश मत करना अगर वो बच गया तो पुलिस उनके पीछे पड़ सकती है क्योंकि बच्चों उस टाइम पर जापान और अमेरिका में वॉर हो रही थी मैंने ये सब आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है वॉर का टाइम था तो ऐसी कभी ऐसी बातें उनके दिमाग में चल रही थी कि बचाएं इसको या ना बचाएं ओके okay? ऐसे कन्फ्यूज़ थे तो हाना ने मतलब कन्फ्यूज़न में बोल दिया कि अगर ये बच गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारा ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल हो गया तो पर यह सुनकर सदाओं ने बोला कि अगर अमेरिकन मैन मर गया तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा वो उल्टा उनसे क्या क्वेश्चन करते हैं कि अगर ये मर गया तुम कह रही हो कि ये बच गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और अगर ये मर गया तो तब तुम्हें कैसा लगेगा ओके हाउ यू फील इज द क्वेश्चन ओके सदाओ ने क्वेश्चन हाना से किया अब हम नेक्स्ट पैना पे आएंगे जो ही से स्टार्ट है एंड ये पेज नंबर थर्टी पे फिनिश होता है टॉप पे

अब बच्चों सदाओ उस अमेरिकन मैन जो कि ज़मीन में लेटा हुआ था बिना हिले उसको ध्यान से देखने लगा बहुत आराम से देखे जा रहा था वो मोशनलेस पड़ा हुआ था ज़मीन में अमेरिकन मैन तब सदाओ ने हाना से कहा कि अमेरिकन मैन की एनर्जी बहुत ही अच्छी है एज़ उसी उस एज़ उस एनर्जी की वजह से ही उसके सर्वाइवल स्किल्स के वजह से ही उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया है वरना तो वो मर जाता ओके उसका अगर इस क्योंकि जिस तरीके की चोट उसे लगी हुई थी उसकी डेथ पक्की थी राइट सो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी आई हैव गि द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी पैराग्राफ इन इंग्लिश ऑल्सो एंड हिंदी ऑल्सो आपको जो भी लैंग्वेज कम्फर्टेबल लगती है आप उस पर फोकस कर सकते हैं एंड यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन शेयर दिस चैनल अमंग ग्रेट ट्वेल्व स्टूडेंट्स ओके एंड डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ओके एंड इट्स नेम इज़ इम्पैक्टफुल लर्निंग विद नूपुर और ये पार्ट टू चैप्टर है द एनिमी का जो कि चैप्टर नंबर फाइव है एनिमी ये उसका पार्ट टू है नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी ओके एंड पार्ट वन भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा ओके थैंक यू सो मच